हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बेल्ट रोप चेन ड्राइव का डिस्कशन लेके आए हैं। बेसिकली मैं आपको बताऊंगा अभी कौन कौन से टॉपिक हमें बेल्ट रोप चेन में कवर करने होते हैं। कंपटीशन में पूछा जाता है और एकेडमिक्स में भी ये पूछा बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से सिलेबस हमें कवर करना है। तो फिर हम सिलेबस जो हमें कवर करना है वो मैंने यहाँ लिख लिया है। टाइप्स ऑफ बेल्ट पहले जानेंगे कि बेल्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ बेल्ट, वेलोसिटी रेशियो ऑफ बेल्ट क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो है वो बेल्ट का क्या है, स्लिप जो होता है बेल्ट उसके बारे में जानेंगे, लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट और क्रॉस बेल्ट वो आपको बताऊंगा कि ओपन बेल्ट कौन सा होता है, क्रॉस बेल्ट कौन सा होता है। इसमें हम लिमिटिंग रेशियो ऑफ बेल्ट टेंशन, इसकी टेंशन के हिसाब से जो लिमिटिंग रेशियो है वो जानेंगे, पावर ट्रांसमिटेड, बेल्ट कितना पावर मैक्सिमम ट्रांसमिट कर सकता है बेल्ट, तो वो भी जानेंगे। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कौन सा होता है, एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो आपने पढ़ा ही होगा, सूडो फोर्स जो होता है, मैक्सिमम टेंशन इन अ बेल्ट, टेंशन कितना आता है बेल्ट में, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड, पावर कितना ट्रांसमिट होता है किसी बेल्ट में, क्या कंडीशन होती है, कितना पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं, इनिशियल टेंशन कितनी आती है जब चालू होता है बेल्ट, बिल्कुल इनिशियल लेवल पे कितनी टेंशन आती है, क्रीप क्या होती है, क्रीप इन बेल्ट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ वी बेल्ट के बारे में एप्लीकेशन पे डिस्कस करेंगे, और रोप और चेन बहुत स्मॉल डिस्कशन है जो हम इस वीडियो में देखेंगे। बेल्ट बेसिकली होता क्या है, बेल्ट इसलिए यूज किया जाता है, जैसा आपने देखा हुआ आटा चक्की हुई, कई अलग जगह पे फैक्ट्री इंडस्ट्री वगैरह में यूज किया जाता है। तो बेल्ट बेसिकली होता है कि एक जगह से पावर को दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए, और अलग अलग तरह के अलग अलग कंडीशन अलग अलग बेल्ट में होती है। तो उसमें बेसिकली दो चीजें हमें याद रखनी होती है, ड्राइविंग पुली और ड्रिवन पुली। तो ड्राइविंग पुली वो होती है जो इसमें पावर मेन पावर आ रही है, ड्रिवन जो फॉलोवर, एक तरह से फॉलोवर उसको कह सकते हैं, पिनियन भी कहते हैं गियर्स में, उसको पिनियन भी हम कहते हैं। तो अब आप जानेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बेल्ट, बेसिकली मैं आपको टाइप्स ऑफ बेल्ट लिखना चाहूंगा यहाँ पे। फ्लैट बेल्ट होता है एक, वी बेल्ट होता है जो वी शेप का होता है, इसकी अलग कंडीशन रहती है, इसकी अलग कंडीशन रहेगी, एक होता है हमारा सर्कुलर बेल्ट, अब मैं आपको हरेक का डायग्राम बना के और थ्योरी के लिए मैं बोलूंगा कि आप मुझे मेल कर सकते हैं, तो मैं आपको इसकी थ्योरी पूरी आपको मेल कर सकता हूं। तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बेल्ट में, आपको बोला था कि इसकी फिगर बताने के लिए, तो टाइप्स ऑफ बेल्ट में पहले देखेंगे फ्लैट बेल्ट, ये बेल्ट बिल्कुल फ्लैट है, आपको दिख रहा होगा ये बिल्कुल फ्लैट तरह का है, इस डायग्राम को आप लोग अपनी कॉपी में बना लें, फ्लैट बेल्ट, बाकी मैं अपने नोट दूंगा तो आप उसमें भी देख सकते हैं। वी बेल्ट वी शेप में, इसलिए वी बेल्ट कहलाया, और इसमें इसको वी बेल्ट कहते हैं, और ये सर्कुलर बेल्ट, ये सर्किल में दिखता है तो सर्कुलर बेल्ट होता है, ठीक है। और हम आप दूसरे टॉपिक की ओर जाएंगे, वेलोसिटी रेशियो बेसिकली होता क्या है, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, नंबर स्पीड ऑफ ड्राइविंग पुली टू डेट ऑफ द ड्रिवन पुली, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इसमें होता क्या है, स्पीड ऑफ, उसका फॉर्मूला लिखने जाए, स्पीड ऑफ ड्राइविंग पुली इक्वल टू स्पीड ऑफ ड्रिवन पुली। तो वेलोसिटी रेशियो का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, एक चीज में हमें याद रखनी होती है कि हम जो बेल्ट में जो स्लिप होता है, बेल्ट हमेशा स्लिप तो होता ही है, अगर कोई ना कोई बेल्ट थोड़ा बहुत तो स्लिप होता ही है, तो उसको निगलेक्ट करके हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो वेलोसिटी रेशियो को डिनोट करते हैं वीआर से कई बार, और मैंने आपको जैसे बताया तो इसमें हम इसकी टर्म्स लिख देते हैं किस तरह, टी इसमें थिकनेस है, ये सब मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें हम लिखेंगे एन टू स्पीड ऑफ एन वन स्पीड ऑफ ड्रिवन पुली, और फॉलोवर भी इसको कहते हैं, डी वन बेसिकली कहते हैं, डी वन डायामीटर ऑफ ड्राइविंग पुली, डी टू डायामीटर ऑफ
और टी क्या होगी थिकनेस, हमेशा इस बेल्ट के इस वेलोसिटी रेशियो को लगाने से पहले हमेशा हम इसकी जो स्लिप होती है उसको जो स्लिप होता है बेल्ट उसको हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं। अब ट्रांसमिटेड बाय अ बेल्ट, बेल्ट द्वारा कितनी पावर ट्रांसमिट की गई है, अगर हम इसको आटा चक्की का एग्जांपल ले लें तो आटा चक्की में क्या मोटर चलाती है, तो छोटी वाली अगर माने इसको तो हम इसको कहेंगे ड्राइवर, और ये कौन सी होती है ड्रिवन, और ड्रिवन और इसको ही हम कहते हैं फॉलोवर। मान लो ये ओमेगा वन से रोटेट कर रही है और ये ओमेगा टू से रोटेट कर रहा है, तो क्या होगा जो हमारा रहेगा एक बेसिकली हम बताएंगे। तो अब इसमें टाइट साइड कौन सा होगा, जब इसको रोटेट इस तरह डायरेक्शन में हो रहा है तो ये हो जाएगी टाइट साइड, जिसको मैं अपने फॉर्मूले में शो करूंगा टी वन से, और इसको कहते हैं स्लैक साइड, जिसको मैं शो करूंगा अपने फॉर्मूले में टी टू से। ठीक है, तो अब ये इसमें अब मैं आपको बताऊंगा कि पावर ट्रांसमिटेड का फॉर्मूला क्या होता है, पावर ट्रांसमिटेड का फॉर्मूला क्या होता है, पावर ट्रांसमिटेड को हम डिनोट करेंगे P से, P इक्वल टू नेट फोर्स इंटू जो, तो पावर ट्रांसमिटेड को नेट फोर्स इंटू डिस्टेंस मूव्ड पर सेकेंड। ठीक है, तो जो होगा फॉर्मूला हमारा होगा P इक्वल टू टी वन माइनस टी टू टाइट साइड उसमें स्लैक साइड वाली माइनस करके इनटू बी। अब मैं आपको बताऊंगा पी क्या है, टी क्या है सब बताए, अब एक बार हम इसमें लिख लेते हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं पावर ट्रांसमिटेड टी यहां पे जो है ये वाला जो टी वन है बेसिकली टी वन यहां पे है टाइट साइड वाला, T2 है स्लैक साइड वाला, T2 है स्लैक साइड, V है लीनियर वेलोसिटी जो उस बेल्ट की है। तो ये था हमारा बेसिकली पावर ट्रांसमिटेड का, जो पावर ट्रांसमिटेड बेल्ट कर सकता है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसकी कितनी लिमिट होती है, क्या होता है T1, T2 जो मैंने आपको बताया टाइट साइड और स्लैक साइड है, तो टेंशन भी लिख सकते हैं इसको, टेंशन ऑन अब मैं एक चीज बताना जा रहा हूं कि अगर अगर ये फ्लैट बेल्ट होता और T1, T2 अगर कंडीशन फॉलो कर रहे होते तो एक फॉर्मूला आता है जो कि हम बाद में प्रूफ करेंगे, T1 upon T2 इक्वल टू E μ θ, ये फॉर्मूला होता है अगर फॉलो करते, अगर वो नहीं करते फॉलो तो T1 एंड T2 आर सेम एज अ रिस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्मूला, फॉर्मूला जो है वो यही ट्रांसमिटेड रहेगा। आगे मैं फिर से इस चीज को डिस्कस करूंगा कि T1, T2 इक्वल टू ई जो ई म्यू थीटा है कि कैसे आया, इसको डिस्क्राइब भी करेंगे आगे, पर फिलहाल हम इतनी बात याद रखेंगे पावर का जो फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू T1 minus T2 इंटू वी। वी जो है मैंने आपको बताया कि लीनियर वेलोसिटी है, टेंशन ऑफ स्लैक साइड, टेंशन ऑफ टाइट साइड, और ये है पावर ट्रांसमिटेड। बेसिकली हमने इस वीडियो में तीन टॉपिक अभी हमने करे हैं, पावर ट्रांसमिटेड, टाइप्स ऑफ बेल्ट, वेलोसिटी रेशियो बेसिकली होता क्या है, अगर हम इन तीनों को अभी डिस्कस कर चुके हैं, हम अपनी अगली वीडियो में अगले कोई तीन टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। और प्लीज लाइक।